नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 10 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उस आधार पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। उस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ उसका जवाब नहीं देते हो, लेकिन आपको जवाब देना है। अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना है, अगर बेहतर तरीके से रिवाइज करना है, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप नीचे रिप्लाई नहीं दोगे तो नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं। तो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है 1 नवंबर से और ये चलेगा 31 जनवरी 2021 तक। 50 टेस्ट होने हैं, बायलैंगुअल होना है और आप लोगों की जो डिमांड थी कि पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाए तो पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स का ऑप्शन दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और टेस्ट सीरीज के साथ में एक और प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर प्रोग्राम, जो कि जब आपका परीक्षा होगा उस परीक्षा से 1 से 1.5 महीना पहले आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जाएगा। इसकी फीस भी 1000 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको बिल्कुल मुफ्त मिल सकता है अगर आप 31 अक्टूबर से पहले टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। तो आपके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवाएं और कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम को बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करें। और इस करंट अफेयर प्रोग्राम में भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा और सारे पार्ट को कवर करवाया जाएगा करंट अफेयर का, पूरे साल भर का 25 घंटे का प्रोग्राम होगा। तो टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बहुत सोच समझ कर इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो 31 अक्टूबर से पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन करवाएं। कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर प्रोग्राम आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर लीजिएगा या वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस करने वाले हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा वीडियोज़ पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार कितने अशासकीय सदस्य नियुक्त किए जाएंगे? बताइए 4, 5, 6 या फिर 7। इस आयोग में कितने अशासकीय सदस्य जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे इस संशोधन के बाद? 4, 5, 6 या 7, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन इस प्रकार से रहा, इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन है, प्रदेश में गांधी ग्राम की स्थापना किस जिले में की जा रही है? दुर्ग, कांकेर, कोंडागांव या फिर बीजापुर? इसका जवाब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद आज का हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में शहरी विकास से संबंधित हाल फिलहाल के दिनों में जो भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उस प्रोग्राम के तहत कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, या फिर मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो देखते हैं कि पिछले कुछ समय में 1 से 1.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जो कि भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया था 1 से 2 महीना पहले, उसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इससे पहले 2019 में जब शहरी क्षेत्रों का स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था तो उस समय छत्तीसगढ़ को 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ के बहुत सारे शहरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। किस प्रकार से प्रदर्शन किया, कौन से शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसका भी हमने एनालिसिस किया था एक वीडियो में, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। अगर उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और वहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए हैं 70,000 आवास। जनवरी 2019 से लेकर आपका सितंबर 2020 तक छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70,000 मकान बनाए गए हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना भी दो तरह का होता है, एक आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है और एक शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। और मैं जिस आवास
आवास योजना की बात कर रहा हूँ, वो शहरी आवास योजना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं तीसरे पॉइंट पर आऊँ तो भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने के लिए राजीव गांधी आश्रय योजना की शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत 2 लाख शहरी गरीब परिवारों को जो है पट्टा देने की बात कही गई है, यानी कि जो लक्ष्य है वो 2 लाख परिवार हैं, शहरी परिवार, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मोर जमीन मोर मकान योजना, इसकी भी शुरुआत 2019 में किया गया है, और इस योजना के तहत लगभग 2.5 लाख तक का वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। जो भी परिवार इसके अंडर में आते हैं इस योजना के तहत, उस परिवार को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का सहायता प्रदान किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो प्रदेश के लगभग 14 नगर निगमों में 861 स्लम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी को बचाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है, और इस कैंपेन का नाम है क्लीन खारून, ठीक है, मिशन क्लीन खारून, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसके अलावा रायगढ़ जिले में स्थित है आपका केलो नदी, और केलो नदी का उद्धार के लिए एवं बस्तर के इंद्रावती के संरक्षण के लिए भी कार्य शुरू किया गया है। यहाँ पर अगर मैं मिशन क्लीन खारून नदी की बात करूँ तो इसके लिए जो बजट का प्रोविजन किया गया है वो 300 करोड़ रुपए का किया गया है, और इसके अलावा केलो नदी और बस्तर की इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए अगर मैं बजट की बात करूँ तो यहाँ पर इसके लिए प्रोविजन किया गया है 200 करोड़ रुपए का। एक बात और ध्यान रखिएगा, केलो नदी पर जो केलो परियोजना बनाया जा रहा है उसे भी विस्तृत किया जा रहा है। इसके अलावा इंद्रावती विकास प्राधिकरण बनाया गया ताकि इंद्रावती को बेहतर तरीके से साफ सुथरा किया जा सके, उसे संरक्षित किया जा सके, और इसके अलावा इंद्रावती नदी पर ही बोधघाट परियोजना का भी निर्माण किया जा रहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना है जिस पर हाल ही में केंद्र सरकार की अनुमति भी मिल गई है और इस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। फिर से 40 वर्षों तक बोधघाट परियोजना जो है वो अटका हुआ था, तो अब जो है इस पर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल मिल गया है। तो इस तरह से शहरी विकास से संबंधित कुछ पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे एक न एक पूछे ही जाएंगे परीक्षा में। इसलिए शहरी विकास से संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्तमान समय में 1.5 साल में क्या क्या काम किया है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्योंकि बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इथेनॉल से संबंधित। पिछले कुछ समय से जब भी हम छत्तीसगढ़ का टॉपिक एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक न एक टॉपिक जो है इथेनॉल से संबंधित आ ही जाते हैं। इस बार भी एक टॉपिक है आपका इथेनॉल से संबंधित, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो धान से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा उसकी कीमत किस प्रकार से होगी। कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में धान से इथेनॉल का उत्पादन किया जाना है उसकी कीमत कितनी निर्धारित की गई है। तो कीमत की जो दर होगी वो 54.87 रुपए प्रति लीटर होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इथेनॉल से संबंधित छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाना है ये भी मैं बता चुका हूं। तो आपके लिए यहां पर एक और सवाल है कि छत्तीसगढ़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत पहला इथेनॉल प्लांट कहां स्थापित किया जाना है, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मुंगेली में भी 2 इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है, इसके अलावा आपका जांजगीर में भी 1 इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है। तो इस प्रकार से भी मैं आपको बता चुका हूं, इथेनॉल से रिलेटेड हमने बहुत कुछ पढ़ा है। और एक पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां धान से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी रिलीज किया गया था तो वहां पर इंडिया में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है उसमें जनरेशन 2 को शामिल किया गया था और जनरेशन 3 को शामिल किया गया था। जनरेशन 2 का कहने का मतलब है कि धान के वेस्टेज से या फिर जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसके वेस्टेज से जो एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है वो जनरेशन 2 के तहत किया जाता है, और जनरेशन 3 में जो है वो सवाल जैसे जो उत्पाद होते हैं उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, और जनरेशन 1 में आ जाता है खाने पीने की चीज़ों से एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज जो हैं जनरेशन 1 से यहाँ पर उत्पादन एथेनॉल का नहीं करते हैं, यानी कि बायोफ्यूल को उत्पादित नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा गया और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि यहाँ पर धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, यहाँ गन्ना के किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, तो धान से और गन्ना से एथेनॉल उत्पादित किया जाता है। सरकार का कहना था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया जा रहा है, तो जिसमें अगर छत्तीसगढ़ की खपत ले लें तो लगभग 30 लाख मीट्रिक टन का है, और इतना ही धान का जो है वो केंद्रीय सेंट्रल पूल में बेचा जाता है, तो इसके बाद लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान बच जाता है, तो इससे जो है यहाँ पर एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जब एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा तो यहाँ पर धान किसानों को और प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे जो है यहाँ पर धान का उत्पादन और बढ़ने की उम्मीद है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में एथेनॉल प्लांट को स्थापित किया जा रहा है ताकि गन्ना से भी और धान से भी एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सके। और एक आंकड़ा अनुमानित किया गया है कि एक वर्ष में लगभग छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ लीटर जो है धान से एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर है? तो रेट आप लोग खासकर याद रखिएगा, प्रति लीटर जो है 54 रुपए 87 पैसे जो है एथेनॉल यहां से बेचा जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंगरगढ़ का नाम जो है अब देश के पर्यटन नक्शे में शामिल किया गया है। डोंगरगढ़ में क्या है, बहुत ही छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां पर आराध्या देवी मां बम्लेश्वरी का मंदिर है, और देश के पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देश का पर्यटन मानचित्र है जहां पर प्रमुख पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाता है उसमें डोंगरगढ़ का नाम शामिल किया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय की जो योजना है प्रसाद योजना के तहत आराध्या देवी मां बम्लेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक फंड भी दिया गया है, और वो फंड कितने करोड़ रुपए का है, वो 43 करोड़ 33 लाख रुपए का वो फंड है। और यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि प्रसाद स्कीम है क्या, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वर्ष 2015-16 के यूनियन बजट में इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। दो स्कीम पर्यटन मंत्रालय ने एक साथ अनाउंस किया था, स्वदेश दर्शन योजना और दूसरा है प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ का एकमात्र जगह शामिल है, वो जगह है आपका डोंगरगढ़। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत अलग अलग परिपथों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो आपका आदिवासी परिपथ है उसकी शुरुआत आपका छत्तीसगढ़ से ही किया गया था। इसके अलावा रामायण परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कौन सा शामिल है, तो एकमात्र जिला शामिल है आपका जगदलपुर। तो डोंगरगढ़ के बारे में याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे कि देश के पर्यटन नक्शे में हाल ही में शामिल किया गया है, तो आंसर होगा आपका डोंगरगढ़। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, राज्य में असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है एक स्कीम, इसकी तैयारी अंतिम चरण में है, बहुत जल्द ही इस स्कीम को शुरू किया जाना है। इस स्कीम का नाम है पढ़ना लिखना अभियान। अगर इस स्कीम की बात करूं तो लक्ष्य रखा गया है प्रदेश के लगभग 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जाएगा इस अभियान के तहत में, और इस अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु के जो भी असाक्षर लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनको बुनियादी रूप से साक्षरता प्रदान की जाएगी। और इस स्कीम को जो है डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, पढ़ना लिखना अभियान बहुत जल्द प्रदेश में शुरू होने वाला है। इसका जो क्राइटेरिया है उम्र का वो याद रखिएगा, और इसके अलावा इस स्कीम को किनके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी के द्वारा इस जो यह स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इस बात को भी आप यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया, और इसमें कहा गया है कि असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, और इसका जो परसेंटेज है वो 2% है, और असम में जो बेरोजगारी की दर है वो 1.2% है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि देश के जितने भी डेवलप्ड स्टेट हैं और उन डेवलप्ड स्टेट के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत कम है। यहाँ पर आप देखोगे इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो बेरोजगारी दर है वो 15.3% है, दिल्ली में 12.2% है,
इसी प्रकार से बिहार में जो है आपका 11.9% है, हरियाणा में 19.1% है। तो इस प्रकार से स्टेट वाइज आप यहाँ पर इस रिपोर्ट के अनुसार जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हो। और मुझे पता है कि इस टॉपिक के बाद आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में करोगे कि कौन से एंगल से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हुआ है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो इस रिपोर्ट के अनुसार और छत्तीसगढ़ के दावों के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की जो बहुल संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और लॉकडाउन के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा स्कीम के तहत में बहुत अच्छा काम किया गया और छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण योजनाएं थी खासकर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में जो फंड दिया गया किसानों को, उससे जो है वहां पर बेरोजगारी की समस्या कम उत्पन्न हुई है। और छत्तीसगढ़ की अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी कम देखने को मिली है और बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2% है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार देश की जो बेरोजगारी दर है वो 6.8% है। क्लियर है? तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए ये जो डेटा है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर CMIE के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक जो है कमर्शियल इंफॉर्मेशन कंपनी है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में, एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। अगर इसके कार्य की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेटाबेस तैयार करता है और इसे उपलब्ध करवाता है ताकि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो सुधारा जा सके डेटा के आधार पर। और यह जो है न्यू ट्रेंड्स इन इकोनॉमी को भी उपलब्ध करवाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था का कैसा रुझान है, कैसा होना चाहिए, इस पर भी जो है वो डेटाबेस उपलब्ध करवाते रहता है। राज्य स्तरीय भी डेटाबेस उपलब्ध करवाता है और पूरे देश का भी डेटाबेस जो है यह उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से CMIE के बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री युवा कैरियर निर्माण योजना। इस योजना के तहत में प्रदेश के जो होनहार युवा हैं उनको फ्री में कोचिंग दिया जाता है, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों। तो इस स्कीम के तहत प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लास के जो होनहार बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस साल जो नीट और जेई का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में प्रदेश के इस स्कीम के तहत पढ़ रहे युवाओं ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और ख़ासकर अगर मैं बिलासपुर ज़िले की बात करूं तो सबसे अधिक यहां से चयन हुआ है, लगभग 60 से अधिक बच्चों का जो चयन है वो नीट और जेई में हुआ है। अगर मैं इस स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम को शुरू किया गया था 2017 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो है प्रतिभावान छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाता है और इस योजना को जो है युवा कैरियर विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के जो प्रतिभावान छात्र होते हैं उन्हें जो है कोचिंग्स प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हों, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हों, उनको मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता दी गई है। और इस मान्यता के तहत जो है अब छत्तीसगढ़ एकेडमी रायपुर में आवासीय हॉकी एकेडमी को ओपन किया जाएगा, जहां पर बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग एकेडमी होगा। इसके अलावा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती और तैराकी के लिए जो है एक्सीलेंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा ताकि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जा सके और उन्हें जो है राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए तैयार किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मान्यता दिया गया किसे? छत्तीसगढ़ हॉकी एकेडमी रायपुर। और इसके अलावा एक एक्सीलेंस सेंटर का स्थापना किया जाएगा, कहाँ? जो कि बिलासपुर में स्थापना किया जाएगा। और कौन कौन से खेल के लिए एक्सीलेंस सेंटर होगा? एथलेटिक के लिए होगा, कुश्ती के लिए होगा और तैराकी के लिए होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पोर्ट्स को जो है वो मान्यता दिया गया था और वो था तीरंदाजी, जिसका ट्रेनिंग अभी रायपुर में चल भी रहा है। और इससे पहले मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं कुछ दिन पहले, यानी कि इस साल के शुरुआत में, वन स्टेट वन गेम। इस वन स्टेट वन गेम पहल के तहत 2024 और 2028 में जो ओलंपिक होना है उसके लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है और इसके तहत प्रत्येक स्टेट से एक खेल को चुना जा रहा है। तो वन स्टेट वन गेम के तहत छत्तीसगढ़ से आर्ची यानी कि तीरंदाजी खेल को चुना गया है और इसीलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है
तीरंदाजी के लिए मान्यता दिया गया है छत्तीसगढ़ को, जिसका जो ट्रेनिंग है रायपुर में खिलाड़ियों को प्रदान भी किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। इस टॉपिक के बारे में हम इस साल के शुरू में भी पढ़ चुके हैं। इस अभियान के तहत बस्तर में एक मलेरिया की बहुत बड़ी समस्या थी, उसे दूर किया जा रहा है और काफ़ी हद तक इस अभियान के तहत बस्तर से मलेरिया को मुक्त करने में सफलता भी मिली है। सितंबर 2019 के कंपैरिजन में सितंबर 2020 में बस्तर में जो मलेरिया के मामले हैं उसमें 60.53 की कमी देखने को मिली है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत सितंबर 2019 के कंपैरिजन में सितंबर 2020 में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, तो आपको आंसर लेना होगा 65.53। मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत जो फर्स्ट फेज शुरू हुआ था वो आपका जनवरी में शुरू हुआ था इसी वर्ष, जो कि फरवरी तक चला था। उसके बाद जो सेकंड फेज है वो 2020 के जून में शुरू हुआ था, जो कि जुलाई तक, यानी दो दो महीनों का जो फेज है वो चला था। तो इस तरह से आप मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के बारे में ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखोगे कि कौन से जिले में सबसे कम जो है मलेरिया के मामले आए हैं, तो यहाँ पर कांकेर जिले में 75.2% की कमी देखने को मिलेगी, कोंडागांव में आपको 73.1% का, सुकमा में 71.9% का। तो अगर सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में कमी आई है मलेरिया के मामलों में इस कैंपेन को चलाने के बाद, तो वो है आपका कांकेर जिला, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी यहां पर डेटा दिया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग भी क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की शान, मानव निर्मित जंगल सफारी। आप लोगों को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो मानव निर्मित जंगल सफारी है वो आपका नया रायपुर में स्थित है, जिसका नाम है नंदनवन जंगल सफारी। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसकी जो शान है और इसकी जो सुंदरता है और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से जिराफ और जेबरा यहाँ आने वाले हैं और भारत के बहुत ही कम जू ऐसे हैं जहाँ पर जिराफ और जेबरा अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर पर्यटकों को और भी आकर्षित करेगा हमारा ये जंगल सफारी। तो यहाँ याद रखिएगा, जिराफ और जेबरा जो हैं आने वाले हैं, इसके लिए साउथ अफ्रीका वन विभाग की तरफ से जो है मान्यता भी मिल गई है, यानी कि मंजूरी भी मिल गई है, जो कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। जंगल सफारी की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन जो है 2016 में किया गया था। इसका निर्माण जो है 800 एकड़ में किया गया है और इसमें 130 एकड़ का एक जलाशय भी है। उस जलाशय का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उस जलाशय का नाम है खांडवा जलाशय। इसके अलावा इस जंगल सफारी में चार प्रकार के सफारी हैं, जिसमें एक शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी है जिसका क्षेत्र 30 हेक्टेयर है, भालू सफारी है जिसका क्षेत्र आपका 20 हेक्टेयर है, टाइगर सफारी है इसमें जो है 20 हेक्टेयर इसका क्षेत्र है, शेर सफारी जो है वो 20 हेक्टेयर में है। अब जिराफ और जेब्रा आ जाएंगे तो वो भी एक अलग से सफारी बन जाएगा, तो इसमें चार के बाद पाँचवा भी ऐड हो सकता है। तो इस तरह से ये था हमारा आज का एनालिसिस। इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस किए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे कल सुबह उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज 31 अक्टूबर 2020 से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर प्रोग्राम जो है बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल हो जाएगा। और 1 नवंबर से बढ़िया से टेस्ट दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।